Hello everyone, I'm Abhishek and today I'm going to ask few questions from Bhumi. Bhumi is from JDMC College and right now we are at JDMC College only and she is from Sanskrit Honors, first year student. So let's start. So Bhumi, what was your CUT score? 300. And category? General. So Bhumi has 300 score and general category and she got into JDMC. So preference kaun sa tha? Ya first preference mila ya fir koi aur preference? Ekdum last preference. मतलब एकदम लास्ट प्रेफरेंस मिला, मतलब समझ सकते हो या 300 मार्क्स पे जनरल को कॉलेज मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है. और जेडीएमसी कॉलेज, तो जेडीएमसी कॉलेज ओवरऑल कैसा है अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा है वैसे बाकी कॉलेजेस से, जैसे ऑफ कैंपस में और वो वुमेन्स कॉलेजेस हैं तो उनसे तो काफी अच्छा है. अच्छा, मतलब जेडीएमसी कॉलेज अच्छा है ऑफ बाकी ऑफ कैंपस कॉलेज से अच्छा है. मतलब और फैकल्टी की बात करें तो संस्कृत में कैसे फैकल्टीज है? बिकॉज फैकल्टी अच्छी है सारी. क्लासेस रेगुलर होते हैं? हाँ रेगुलर होती है. फैकल्टीज अच्छे हैं, क्लासेस रेगुलर होते हैं. कॉलेज का कैंटीन कैसा है? क्योंकि बहुत ही बकवास है, बहुत ही ज्यादा बुरा कैंटीन है यहाँ का. बहुत मतलब कैंटीन जो है बेकार है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है. बाकी कनेक्टिविटी तो काफी अच्छा है, करोल बाग से गेट नंबर 6 से डायरेक्टली वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो का, तो कनेक्टिविटी अच्छा है. हाँ, दूसरा सबसे बड़ा मैटर होता है एकोमोडेशन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हैं, सो दे कम फ्रॉम वेरियस स्टेट्स. तो यहाँ पे हॉस्टल है कॉलेज में? हाँ हॉस्टल है, कृष्णा हॉस्टल है पीछे कैंटीन. तुम कहाँ रहती हो? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ. अच्छा, यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली, ओके. अच्छी बात है कि कॉलेज में हॉस्टल है, तो जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं मे बी क्यों ने हॉस्टल मिल जाए, और ना भी मिले तो आसपास में पीजी एंड ऑल जो है वो अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, तो कोई बच्चा संस्कृत ऑनर्स करना चाहता हो, उसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहो? मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहती. क्यों, तुम्हारा जो है संस्कृत ऑनर्स में मतलब इंटरेस्ट नहीं है क्या? सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें काफी स्कोप है आगे तक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बट स्टिल आई मीन थोड़ा सा ये बताओ कि उसमें इंटरेस्ट है या नहीं तुम्हारा? इंटरेस्ट है मेरा. तो फिर कुछ में कुछ सजेशंस तो दे ही सकती हो ना? लाइक क्या सजेशंस? सजेशंस इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक, कि कैसा एकेडमिक मतलब कैसे करें, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं काफी. तो इसके रिगार्डिंग ना मटेरियल्स ज्यादा अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ज्यादा, तो कैसे पढ़ाई कैसे करना है? हमारे कॉलेज में तो है मतलब वो लाइब्रेरी है ना, तो उसमें सारी बुक्स अवेलेबल है और टीचर्स भी अवेलेबल कराते हैं सब कुछ. मतलब बुक्स वगैरह से हो जाता है काम एग्जामिनेशन में? हो जाता है. और बाकी लेक्चर्स में थोड़ा ध्यान दो तो सब अच्छे से होगा, क्योंकि संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सॉल्व वाले वो भी नहीं आते हैं, तो जो सॉल्व नहीं आते हैं बट जो ऑफिशियल आता होगा वही है, उसी से करना पड़ता है, तो उससे हो जाता है काम? हाँ मेरा हो जाता है, टीचर्स बता देते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट है तो उन्हें मार्क कर लेते हैं, फिर वो अच्छे से तैयार कर लेते. अच्छा, कोई बच्चा जो है जिसको गलती से संस्कृत मिल गया हो, जैसे कि तुम्हें भी गलती से मिल गया, तो मतलब ये बताओ कि उसके लिए ज्यादा टफ तो नहीं पड़ेगा ना कि उसको वो परस्यू करना? फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. अच्छा, उसके बाद नहीं आएगी? बाद नहीं आएगी. अच्छा अच्छा, और गर्ल्स कॉलेज का ओवरऑल मतलब ओवरऑल एनवायरमेंट कैसा है? बिकॉज काफी जगह मैंने सुना बहुत सारे लोग से जान पहचान है, तो वो लोग कुछ नेगेटिव फीडबैक ही रहता है उनका, तो तुम अपना ओपिनियन बताओ. यहाँ पे कोई किसी से एक तो बात नहीं करता, सब अपने फोन में घुसे रहते, सबसे बुरी आदत यही लगती है. फोन में ऐसा क्या होता होगा, मे बी कुछ आइडिया? इंस्टाग्राम चैट्स, मीम कल्चर, यही सब चलता रहता है. अच्छा, मतलब यहाँ पे बेसिकली सब वुमेन्स को नहीं, अच्छा एक दूसरे से जैसे कि कोविड कॉलेज में होता है लोग बहुत आपस में बात करते हैं, या फिर बेसिकली बॉयज को दिखाया तो भी आपस में ये रहते हैं फ्रेंडली रहते हैं बात बात करते हैं, तो गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं, वो लोग टॉक्सिक होती है थोड़ी बहुत, जजमेंट थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. या ओके, अच्छा तो ठीक है भूमि, थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू.